वेलकम बैक फ्रेंड्स दिस इज करंट अफेयर्स फंडा दोस्तों एस बी पी ओ के प्रम्स एग्जाम्स में इन के जो क्वेश्चन हैं वो स्टेटमेंट वाइज ना पूछकर अब उन्होंने डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स के क्वेश्चन पूछे तो उसके ऊपर एक मेमोरी बेस्ड एक प्रैक्टिस सेट है जो मैं ऑलरेडी आपके लिए बता चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन लेकिन फिर भी एक और सेट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा तो आप ये क्वेश्चन देख लें ताकि आपके एग्जाम्स में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से बना सकें तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास देखो तो पहले क्वेश्चन की हम मूव करते हैं इसमें कहा गया है विच ऑफ़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द given एक्सप्रेशन पी इज ग्रेटर देन क्यू इज ग्रेटर देन आर ये एक एक्सप्रेशन दिया है और ये एक्सप्रेशन जो है ये अपने आप में क्या है एक एक्सप्रेशन होगी कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक फिर पूछा गया है कौन सा इसमें से डेफिनेटली ट्रू है देखो डेफिनेटली ट्रू का मतलब ये होगा कि मुझे इसमें से डायरेक्ट बताना होगा कौन सा वाला डायरेक्टली हमारा ट्रू होगा कभी भी डेफिनेटली ट्रू वाले में ना हमें आइदर और की कंडीशंस भी नहीं दी जाएंगी फाइन अब देखो यहाँ पर पहला चेक करते हैं पहले में क्या लिखा है पी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर अब मैं अगर पी से आर के बीच में जाता हूँ तो जैसे ही मैं पी के आर के बीच में जाऊँगा चाहे मुझे ग्रेटर का साइन मिल गया तो पी से आर के बीच में कभी ये वाला आपका रिलेशन बन सकता है कभी नहीं बनेगा पी से आर के बीच में आपका बनेगा पी इज ग्रेटर देन आर सेकेंड में क्या है टी इज़ ग्रेटर देन आर तो देखो टी से आर के बीच में अगर जब आप आओगे तो आपको दो सिंबल मिलेंगे पहले तो टी से आर जब, जब हम जाएंगे तो देखो यहाँ पर आपको लेस देन मिला इसका अपोजिट कर दो ग्रेटर हो गया मैंने आपको बताया ना कि कभी भी आप अगर रिवर्स जाओगे तब आपको सिम्बल जो जो मिलेंगे उनको आप अपोजिट करोगे टी से एस जाने पर ग्रेटर मिलता है ये लेसर मिला लेसर का अपोजिट ग्रेटर हुआ एस से आर जाने पर लेसर मिलता है फिर इसका अपोजिट क्या हुआ ग्रेटर हुआ तो फाइनली मैं जब टी से आर पहुँचा तब मुझे ये दो सिम्बल्स मिले और इसमें हाइस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है हाइएस्ट प्रेसिडेंस होती है ग्रेटर की फाइन तो टी सी आर जाने पर मुझे ग्रेटर मिल गया मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट ठीक है ये वाला डेफिनेटली ट्रू वाले में आ जाएगा बाकी फिर हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ऑप्शन नन ऑफ दीज का दिया हुआ है ना अगर पहला गलत हो गया और दूसरा हमारा ठीक निकलता है कभी कभी क्या हो जाएगा पहली बार में ही आपको मिल जाएगा डेफिनेटली ट्रू ठीक है तो आप क्या करना उसके आगे चेक कर लेना उसके आगे चेक करने का फ़ायदा ये रहेगा कि अगर पहला आपको डेफिनेटली ट्रू मिल गया और एक ऑप्शन आपको ऑल और ट्रू का भी दिया हुआ है तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपके सारे ट्रू हो जाएँ और फिर यहाँ पर आप ऑल और ट्रू वाला ऑप्शन लगाएं लेकिन हमारा पहला गलत हो गया ऑप्शन फिर सेकेंड में केवल हमें ट्रू मिल गया डेफिनेटली ट्रू तब आगे चेक हम नहीं करेंगे फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम मूव करते हैं ये थोड़ा सा टाइप चेंज है इसमें कहा है इफ़ द एक्सप्रेशन एक हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन दी है इज लेस देन जे इज लेस देन और इक्वल्स टू एच इज ग्रेटर देन जेड उसके बाद एक एक्सप्रेशन का पार्ट ये भी है एच इज लेस देन और इक्वल्स टू बाई उसके बाद में इज ग्रेटर देन एफ ये तीनों हमारी एक्सप्रेशन है पहले आप ध्यान रख लेना फाइन ये तीनों जब हमारी एक्सप्रेशंस हैं और इस एक्सप्रेशन के हिसाब से हमें क्या बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन विल बी डेफिनेटली फॉल्स इसमें से कौन सा कंक्लूजन जो है वो क्या है डेफिनेटली फॉल्स है फाइन एक्सप्रेशंस अपने आप में क्या होती है हंड्रेड परसेंट ट्रू होती है अब हमें कंक्लूजन बताना है कौन सा डेफिनेटली फॉल्स होगा देखो सबसे पहले को चेक करो इसमें क्या लिखा है एफ इज़ लेस देन वाई तो यहाँ पर मैं इसको एक बार नोट डाउन कर ले रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए इज़ लेस देन जे उसके बाद लेस देन और इक्वल्स टू एच फिर ग्रेटर देन जेड उसके बाद एच इज़ लेस देन और इक्वल्स टू वाई उसके बाद दिया है ई इज़ ग्रेटर देन एफ ठीक है अब ये सारे चेक करेंगे बारी बारी से अब एफ से बाई मुझे जाना है ठीक है तो पहले मैं क्या करूँगा एफ से ई e आऊँगा और ई e से एच आऊँगा फिर एच से बाई जाऊँगा यही तो तरीका हो सकता है तो पहले आप एफ से ई e तक आएंगे जब आप एफ से ई आएंगे अपोजिट में सिंबल ग्रेटर का क्या हो जाएगा लेसर हो जाएगा यहाँ पर ठीक है अब एफ से ई e आए तो ई e से अब एच तक आओ क्योंकि रिलेशन एच से बाई तभी तो पहुँचोगे तब डायरेक्ट हम ई से बाई पहुँच पाएंगे फाइन ठीक है तो पहले मैं ई e से जब एच आऊँगा तब मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा लेसर और ये लेसर और इक्वल्स टू अब एच से बाई जाने पर मुझे क्या मिलेगा ये वाला सिंबल अब इन चारों में सबसे हाइस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है ग्रेटर की होती है सॉरी लेसर oh, की होगी यहाँ पर तो लेसर यहाँ पर हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा फाइन तो पहले में क्या लिया है एफ इज़ लेस देन वाई ये हमें दिया हुआ है तो ये वाला हमारा क्या है ट्रू हो गया यहाँ पर ठीक है तो ये तो गलत नहीं है ना तो हमें नेक्स्ट चेक करना होगा अब देखो 22 ग्रेटर देन से मुझे ई के बीच में रिलेशन निकालना है पहले मैं बाई से एच जाऊंगा और फिर एच से ई आ जाऊंगा तो बाई से जैसे ही मैं एच तक जाऊंगा तो मुझे ग्रेटर इक्वल मिल जाएगा यहां पर फाइन और उसके बाद में एच से जे तक मैं पहुंचूंगा तो यहां पर लेसर इक्वल है तो क्या हो जाएगा अपोजिट ग्रेटर इक्वल अब जैसे ई आने में क्या मिल जाएगा ग्रेटर का इन तीनों में कंपेयर करोगे क्या मिलेगा ग्रेटर मतलब ये दोनों हमारे अभी तो ट्रू हैं इसमें कोई डेफिनेटली फॉल्स तो नहीं मिला क्योंकि एक ऑप्शन ऑल आर ट्रू का दिया है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसमें कोई डेफिनेटली फॉल्स निकल जाए या फिर सारे के सारे ट्रू हो जाए तो बाकी ये दो भी चेक करने हैं अब एफ से एच देखना है फाइन तो देखो एफ़ कहाँ पर ये एफ़ से ई आऊँगा फिर ई e से मैं कहाँ एच आ पाऊँगा तो देखो एफ़ से ई अगर मैं आया था तो मुझे क्या मिला था लेसर देन यहाँ पर और ई से अगर मैं एच आता हूँ तो मुझे लेसर देन और लेसर इक्वल मिलता है तो इन तीनों में हाइएस्ट प्रेसरेंसिस किसकी होती है लेसर की होती है ये भी हमारा ट्रू हो गया अब देखो ये वाला या तो फॉल्स हो गया तो ट्रू होगा देखते हैं जे से बाई जाना है फाइन तो देखो जैसे पहले आप एच जाओ जैसे आप एच जाओगे तब क्या मिल जाएगा लेसर इक्वल और जैसे एच एच से बाई एच से बाई जाने पर फिर मुझे लेसर इक्वल मिल गया तो अल्टीमेटली क्या सिंबल मिला लेसर इक्वल लेस देन इक्वल्स मिल गया तो ये भी ट्रू तो मैं क्या कह सकता हूँ सारे के सारे यहाँ पर ट्रू होंगे ऑल आर

क्वेश्चन मार्क तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर मुझे कुछ सिंबल फिल करने हैं और वो सिंबल मुझे ऐसे रखने हैं कि मेरा ये d इज लेस देन और इक्वल्स टू a एक ये वाला और f इज ग्रेटर देन c f इज ग्रेटर देन c ये दोनों मेरे क्या हो जाएं डेफिनेटली ट्रू हो जाएं वो सिंबल मुझे बीच में यहाँ पर रखना है फाइन तो देखो मैं एक बार एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ ए इज ग्रेटर इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी और सी और डी के बीच में गैप है फिर लेस देन और इक्वल्स टू ई इज लेस देन एफ ठीक है अब देखो पहले डी से ए के बीच में आपको जाना है डी से कहाँ जाना है ए तक जाना है दूसरा रिलेशन कहाँ जाना है एफ से सी जाना है ठीक है और जब आप एफ से सी सी जाओगे तब आपको कौन सा सिंबल मिलना चाहिए यहाँ पर लिखा है ग्रेटर मिलना चाहिए लेकिन जब मैं एफ से सी आ रहा हूँ तो यहाँ पर लेसर है यहाँ पर लेसर देन और इक्वल्स टू दिया है तो दोस्तों यहाँ पर याद रख लो अगर आपको या तो यहाँ पर आपको इक्वल मिल जाएगा फाइन इक्वल मिलेगा इक्वल से आपका काम बन जाएगा नहीं तो आपको क्या मिलना चाहिए नहीं तो आपको मिलना चाहिए यहाँ पर ग्रेटर uh, ये वाला अगर हम इक्वल कर देंगे तो एफ से सी जब हम पहुंचेंगे तो मुझे क्या मिलेगा पहले ग्रेटर मिलता है क्योंकि अपोजिट साइन, ई से यहां पहुँचने पर ग्रेटर इक्वल मिल जाएगा मैंने मान लिया कि अभी मुझे यहाँ पर इक्वल मिलता है अभी हंड्रेड ट्रू नहीं हूँ यहाँ पर अब ई e से डी जाने पर हमें क्या मिला ग्रेटर इक्वल्स टू और डी से सी जाने पर क्या मिला इक्वल तो इन तीनों में हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है इक्वल किस मेरा यहाँ पर बन रहा है अभी तक ठीक है तो ग्रेटर बन जाएगा अब देखो एक सिंबल हमारा क्या है ग्रेटर इक्वल्स टू तो ग्रेटर इक्वल्स टू को अगर मैंने यहाँ पर इस इक्वल के प्लेस पर रख दिया मैंने यहाँ ग्रेटर इक्वल रख दिया तो जैसे ही आप ग्रेटर इक्वल रखोगे तो आपका डी से ए तक जाने का तरीका है डी से आप ए तक तो चले जाओगे क्योंकि ग्रेटर इक्वल के प्लेस पर लेसर इक्वल मिलेगा फिर इक्वल मिलेगा और फिर बी से ए आने पर आपको ये मिल जाएगा इन तीनों की कंपेयर करोगे अल्टीमेटली सिंबल क्या मिलेगा ये वाला लेकिन एफ टू सी जब आप जाओगे एफ़ टू सी जाने पर यहाँ सिंबल अपोजिट हो जाएंगे ये लेस देन का साइन है और यहाँ पर ग्रेटर इक्वल का साइन है जब सिंबल अपोजिट हो जाएंगे तो रिलेशन नहीं बनेगा तब देखो ये वाला सिंबल तो मेरा नहीं आएगा ओके ये मेरा श्योर हो चुका है कि ये सिंबल तो मेरा नहीं आएगा और पहला वाला इसलिए नहीं आएगा अगर मैंने यहाँ पर केवल ग्रेटर रख लिया फ़ाइन एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों कि आप इस वाले ग्रेटर को भी रख दो तो ग्रेटर रख दूंगा तो कभी भी ग्रेटर इक्वल जो लेसर इक्वल है ना ये मेरा नहीं आ पाएगा फ़ाइन क्योंकि डी से ये जाने पर इसका अपोज़िट लेसर हो जाएगा फाइन तो जब लेसर हो जाएगा तो इसमें हाईएस्ट प्रेसिडेंट तो लेसर वाले की हो जाएगी लेस देन वाले की तो इसलिए ये वाला नहीं आएगा फ़ाइन तो ये वाला भी मेरा एलिमिनेट हो गया ओके okay, और ये वाला अगर आपने यहां पर डाल दिया सिंबल ठीक है तब तो आपका अपोजिट सिंबल हो जाएगा तो हमें क्या है केवल हमारी पॉसिबिलिटी केवल क्या बनेगी कि यहां पर केवल इक्वल आएगा फाइन केवल इक्वल आने से ही दोनों स्टेटमेंट जो है डेफिनेटली ट्रू होंगे तो ऑप्शन नंबर फिफ्थ हमारा ट्रू हो गया ओके okay, ये सारी चीजें आपको कब पता चलेंगी एक बार में ही पता चल जाएंगी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग है देन उसके अलावा आपको चार बार चेक करना पड़ेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपने देख लिया डी से ए मुझे जाना है और यहां पर लेसर देन इक्वल्स टू मुझे मिलना है तो आप यह ध्यान रख लो कि यहां पर कभी भी ना ग्रेटर आएगा ना लेसर ये दोनों सिंबल तो आएंगे ही नहीं क्योंकि इनके आते ही ये वाला सिंबल कभी नहीं आ सकता तो ये दोनों तो वैसे ही इलेमिनेट हो गए अब ये दोनों जब इलेमिनेट हो गए तो मुझे किसको चेक करना है ये वाला भी इलेमिनेट हो गया फाइन अब मुझे चेक किसको करना है केवल दो सिंबल बचते हैं चेक करने को एक ये और एक ये वाला पोर्शन अब इन दोनों को चेक करोगे उसके बाद में आपको इक्वल यहां पर फिट बैठेगा फाइन तो ये तरीके के डेवलपमेंट तब बनेंगे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे नेक्स्ट क्वेश्चन के हम मूव करते हैं फोर्थ में देखो फोर्थ में कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बिल्ड एक्सप्रेशन पी इज ग्रेटर देन एस बी डेफिनेटली फॉल्स मतलब यहां पर पांच एक्सप्रेशन दी हैं इसमें p इज़ ग्रेटर देन s जो है वो डेफिनेटली क्या है फॉल्स हो जाएगा तो मुझे चेक करना है किस में फॉल्स होगा अब देखो p से s जाना है अब यहाँ पर ग्रेटर दे दिया है ठीक है और ग्रेटर इक्वल इक्वल तो यहाँ पर तो ये ट्रू हो जाएगा ना p इज़ ग्रेटर देन s सेकेंड में देखो p से s आना है तो यहाँ पर लेसर दिया है यहाँ पर लेसर इक्वल टू दिया है यहाँ पर लेसर इक्वल टू सारे सिंबल अपोजिट हो जाएंगे जब हम p से s जाएंगे क्योंकि हमें अपोजिट जा रहे हैं ना तो प्रेसिडेंस किसको मिलेगी प्रेसिडेंस मिल जाएगी ग्रेटर को तो यहाँ से ये वाला भी हमारा ट्रू हो रहा है थर्ड में देखो देखो थर्ड में देखने पर P से S जाना है ना मुझे तो जैसे ही मैं P से S जाऊंगा मुझे केवल ग्रेटर का सिंबल मिलेगा क्योंकि ग्रेटर ग्रेटर इक्वल मिलेगा प्रेसिडेंस ग्रेटर की ज्यादा होगी तो ये भी ट्रू हो रहा है अब देखो P से S जाना है आपको P से S में गया तो यहाँ पर मुझे एक ग्रेटर यहां मिला है यहां लेसर मिल गया सिंबल अपोजिट मिल गए तो देखो सिंबल जब कभी भी आपको अपोजिट मिलेंगे लेस का ग्रेटर हो जाएगा और ग्रेटर इक्वल्स टू का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लेसर देन और येस yes, ग्रेटर का क्या हो जाएगा लेसर यहाँ सिंबल क्या अपोजिट मिल गए तो अपोजिट मिलने पर क्या गलत हो जाता है कभी भी अपने

आए इस सिचुएशन पर आए ना चौथे पर जाके आपको आंसर मिलता है लेकिन एग्जाम्स में हम क्या करेंगे कभी कभी क्या एग्जामिनर कर देता है कि हमें ऐसे चेक करना है पहला ऊपर से चेक करना है ठीक है और उसके बाद दूसरा नीचे से चेक करना है ठीक है ये करना है मुझे तो कभी कभी क्या होता है अगर ये फोर्थ वाला ऑप्शन फिफ्थ वे मिल जाएगा तो आपको ऊपर से चार नहीं सर्च करने पड़ेंगे आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या बता रहा हूँ ये ऐसा कभी कभी काम कर जाता है लेकिन हम सीक्वेंस वाई में जब हम स्ट्रेस करते हैं और आंसर हमारा बिल्कुल नीचे मिलता है तो मेरे ऊपर के अटैम्प्टो हैं वो फेल्ड हो जाते हैं लेकिन हम क्या करेंगे पहले ऊपर का फिर नीचे का फिर सेकेंड वाला फिर ये फोर्थ वाला फिर ये बीच वाला तो कभी अगर हमारा लक अच्छा है और आंसर हमारा क्या है यहाँ पर मिल गया तब हमें फ़ायदा हो जाएगा ठीक है तो ये वाली अप्रोच भी आप कर सकते हैं एग्जाम्स में फ़ाइन नेक्स्ट क्वेश्चन के हम मूव करते हैं नंबर फिफ्थ इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस रिस्पेक्टिवली In order to complete the given expression in such a manner that D is less than A. डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू देखो सीधा सीधा कहा गया है कि ए बी सी डी ये चार वेरिएबल्स हैं यहाँ पर मैं ए को रख रहा हूँ फिर बी को रख रहा हूँ फिर सी और फिर डी को इनके बीच में केवल आपको जो भी सिम्बल्स रखने हैं कोई सिम्बल नहीं दिया सिम्बल यहाँ से आपको उठाने हैं और सिंबल रखने के बाद में आपको ये देखना है कि आपका रिलेशन जो है डी इज़ लेस देन ए ये होल्ड करना जरूरी है तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं डी से ए तक जा रहे हो आप और आपका अगर डी इज़ लेस देन ए होल्ड करना जरूरी है डी इज़ लेस देन ए तो आप ये मान के चल लो कि यहाँ पर अपोजिट जा रहे हो ना तो अपोजिट में आपके जितने भी सिंबल होंगे या तो वो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल इन तीनों के फॉर्मेट में होंगे अगर कोई भी सिंबल आपको लेसर के इक्वल में मिलेगा तब आपका नहीं वहाँ बन पाएगा क्यों क्योंकि डी से सी आने पर सिंबल तो डेफिनेटली अपोजिट होना है अगर मैंने लेसर ले लिया तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा तो रिजल्ट में तो ग्रेटर नहीं दिया ना ये आप स्मार्ट अप्रोच अपने माइंड में तब डेवलप होगी जब आप इस क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे फाइन तो मुझे ये पता है कि मेरे जो क्वेश्चन में सिम्बल आएंगे यहाँ पर फिल होंगे वो मेरे इन्हीं तीन में से कोई ना कोई सिंबल्स होंगे तो देखो पहले में क्या दिया है पहले में दिया है लेसर देन ठीक है लेस देन और इक्वल्स टू कॉमन लेसर देन कॉमन इक्वल तो क्या ये कभी फिट हो सकता है ये तो भर ही नहीं पाएगा क्योंकि अगर मैंने इसमें बीच में भर दिया तो हमारा रिजल्ट जब डी से ए मुझे चेक करना है तो ये वाला रिलेशन कभी होल्ड नहीं करेगा तो पहला गलत दूसरे में क्या दिया है लेसर लेसर इक्वल तो ये भी गलत हो गया अब देखो तीसरे में ये तीनों सिंबल दिए हैं चौथे में क्या दिया है अपोजिट सिंबल दिए हैं तब ये भी गलत हो जाएगा फाइन अब आ जाओ ये वाला केवल आपका बचता है एक नैन ऑफ दीज बचता है तो पहले हम इसको फिल करके देख लेते हैं इसको मैंने यहाँ पर रख दिया इक्वल यहाँ रख दिया और ये यह यहाँ पर रख दिया अब देखो डी से ए आ पाओ तो डी से ए आने पर क्या मिलेगा मुझे लेसर फिर मुझे इक्वल मिलता है और फिर ग्रेटर इक्वल का क्या होता है लेसर इक्वल तो यहाँ से अल्टीमेटली सिंबल कौन सा मिला आपको सिंबल अल्टीमेटली मिला लेसर देन का तो डी इज़ लेस देन ए हमारा केवल इस रिलेशन को रखने से फॉलो हो रहा है तो नन ऑफ दीज तो वैसे ही इलेमिनिट फिर हो गया ये अप्रोच हम लगा सकते हैं तो हमारा टाइम बच जाएगा बस यही मैं एक्सपीरियंस अपना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस बताए और ये क्वेश्चंस के ही पैटर्न एग्जाम्स में आ रहे हैं अब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप उठा के देखोगे उनसे थोड़े डिफर करते हैं ठीक है यही हाई लेवल पेपर्स को बना देते हैं क्योंकि हमारे लिए अननोन्स होते होते हैं लेकिन इसमें कुछ टिपिकल नहीं है अगर आपके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तब आप आसानी से क्वेश्चन बना लोगे ओके कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे वो रिवर्स वाली प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है तो मैं एक बार रिवर्स वाली प्रॉब्लम आपको बता दे रहा हूं देखो अगर लिखा है इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन और मुझे ए टू सी जाना है तो ए टू सी जाने पर क्या सिमल मिलेंगे एक इक्वल मिलेगा और एक आपको ग्रेटर मिल जाएगा लेकिन अगर मैं सी टू ए आऊंगा तो C टू A आने पर देखो अगर इक्वल और ग्रेटर मिल गया तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी आपकी निकल के आएगी ग्रेटर की निकल के आएगी ना और जब मैं सी टू ए आ रहा हूं तो सी टू ए आने पर पहले आपको क्या मिला सी से बी में ग्रेटर मिला तो यहां पर लिख दो ग्रेटर का अपोजिट लेसर और बी से ए आने पर क्या मिला इक्वल इक्वल का अपोजिट इक्वल होता है तो जब आप इन दोनों की कंपेयर करोगे तब क्या मिलेगा लेसर यहाँ पर अल्टीमेटली ठीक है तो देखो ए टू सी गया था मुझे ग्रेटर मिला और जब मैं सी टू ए आया तब देखो ग्रेटर का अपोजिट लेसर मिला ना यही फंडा होता है तो जब कभी भी हम रिवर्स जाएंगे तब सिंबल अपोजिट होंगे और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे तो एज़ इट इज़ सिंबल्स का हम यूज़ कर लेंगे ये एक बेसिक फंडा था जो मैंने अभी आपके लिए रिमाइंड कराया ठीक है दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल के बारे में बताएँ ताकि वो लोग भी ये वीडियोस देख सकें और आप फॉलो कर सकते हैं इस वेबसाइट को भी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें थैंक यू फ्रेंड्स हैव अ गुड डे